पति चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हलासन के संबंध में आपको बताएंगे कि हलासन किस प्रकार से करना चाहिए। आप सबसे पहले पीठ के बल बैठ जाएं और पीठ के बल लेट कर सीधे बिल्कुल पीठ के बल लेट जाए और दोनों पैर को 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री और उसके पश्चात बिल्कुल कमर को ऊपर कर और दोनों पैर को धीरे धीरे करके सर के आगे दोनों हाथ अब आप दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ लें। इस अवस्था में आधा मिनट से एक मिनट तक आप रह सकते हैं। इससे लाभ क्या है कि वर्टिब्रल कॉलम, जाव की मसल्स, हिप जॉइंट्स की मसल्स, हाथ की मसल्स सब में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। इस फ्लेक्सिबिलिटी से हम बड़े आसानी से घूम फिर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, टहल सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं। इसे उन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए जो हार्ट के रोगी हैं या हाई बीपी वाले हैं। अब हम धीरे धीरे करके दोनों पैरों को दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़ करके पैर को फैलाने का काम करते जैसे ये है। इससे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इन द फिट, पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और पैरों में दर्द नहीं। इस तरह से करें, खूब करें, एक मिनट तक कर सकते हैं इसको। फिर इसको देखिए यो या अवयो। अब हम धीरे धीरे नॉर्मल पोजिशन में आएंगे। हमें यह आसन नियमित करना चाहिए और इससे लाभ ही लाभ मिल रहा है। पृथ्वी पर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।